वाहे गुरु। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दा समा सी माण रहे हाँ। गुरु हजूरी नूं माणदे हां। गुरबाणी कीर्तन आसाखी बार दे रूप विच संपूर्ण होया। प्रभात्री दीवाना दी अरदास होई। उपरंत अज दे गुरवाक गुरु हुकम अजे हुणे असी सरवण कीते। हुण समा बणिया है इन्हां गुरवाकां दी असी तकरीर करांगे। अज 1 जून है 1984 जून का पहला हफ्ता। दरबार साहब के उत्ते हमला करना, सिख संगतां नूं कतलेआम करना, ये सारा साडा बीते कल की सारी वार्ता साडी सुरत च है। असी उस तवारीखी समय नूं याद करते हाँ। उन्हां अपने बुजुर्गों नूं माई पाई बच्चियां सब नूं सब की शहादत नूं नमन करते हाँ। पावन बचन आपने सरवण किया, व्याख्या प्रारंभ करांगे। नाल दी नाल जो बीते च वरत्या उस सारे की सिक्ख्या की बात भी होएगी। सवाओ गुरफतेह की सांझ नाल विचार प्रारंभ करिए। कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा इह गुरु हुकम राग सूही विचों आ रहा है। महला चौथा। गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान चौथी पातशाही इस बचन उच्चरित कर रही है। वाक लमेरा है। असी प्रारंभ रहाओ दे पदे तो ही करांगे। गुरुदेव जिक्र कर दे हर तन संची है भाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। हर तन संची है भाई। बाबा जी गल तन दी कर दे, समझाउंदे धर्म ने। तन दे जरिए धर्म समझाया जा रहा है। संसार दे जरिए निरंकार समझाया जा रहा है। इस तरह कह लीए कि जो दिसदा आ इस दिसदे ते पिछे जो अणदिसदा काम करदा वह समझाया जा रहा है। बंदा दिसदे नूं तवज्जो देंदा, अणदिसदे नूं भुला देंदा। जो दिसदा उहदे च गवाच जांदा, जो अरूप आ उह इहदे कोलों गवाच जांदा। इहदे करके सब कुछ हो के भी दिसदे दी सारी प्राप्ति हो के भी जीवन खाली रह जांदा, खला रह जांदा। सुखां दे साधन हो के भी सुख ना रहिंदा। खुशियां दे पल हो के भी खुशी ना आउंदी। जीवन विच सब कुछ मिल के भी कुछ ना मिलदा। आ जिहड़ी मुश्किल आ इस नूं बाबा जी समझाउंदे। बाबा जी कहिंदे धन नूं समझ, निरधन नूं समझ। समझ असल विच जिंदगी नूं किस रूप विच मानना, जिउणा, अहसासना ते हंडाउणा है। बचन की प्रारंभता कर रहे हाँ। हर धन संजी है भाई, भाई धन संचो, पर धन हरी। हरी वाहिगुरू का एहसास। बाणी कह रही जर्रे जर्रे चो जरखेज आ, अंदर भी वह है बाहर भी वह है। मैनू एहसास नहीं इस गल का। बंदे नू डर, डर विचों दुख, दुख विचों जीवन की ना तसली ये प्राप्त होंदा। डर बहुत सरल लैवल ते, बहुत सिंपल लैवल ते जे देखना हो सरल पद्धर ते, बच्चा डरदा जदों इकला महसूस करदा। बच्चा डरदा इनसिक्योरिटी दे विचों। असी डरदे जदों सानू लगदा सी कल्ले आ, साडा कोई नहीं है,
की बनेगा जे आ हो गया, की बनेगा जे आ हो गया, सारी ओवर थिंकिंग जिन्हों क्या जाता है, यही है सब कुछ। चीज़ा मन मैनिपुलेट करी जाता है, डर वधी जाता है। इनू काउंटर किवें करांगे? कहिंदे ने हनेरा डर दा सबब आ, रोशनी कॉन्फिडेंस लैके आउंदी है। इन बिन साडी सुरत च आ। चीज़ां नू कैलकुलेट करो अगे तो पिछे तक। बंदे दी जिंदगी दे विच रुदन दी अवस्था ये कदी ना आवे, असीं ये कहिंदे आ रोणा धोणा ना पए बंदे। जो कुछ जी गुजर जे फिर की करोगे? फिर तो रोवोगे, बड़ा दुख आ। हाँ ये दुख है, पर ये दुख उदों तक आ जदों तक हनेरा आया। जदों रोशनी आ गई फिर दुख की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लैवल पर आ जाएगी। बाबा फरीद जी कहते मैं जानिया दुख मुझको, जदों मैनू महसूस होएगा मेरे नाल ये चीज़ वापर गई, ओहो हो 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 बहुत कलेश है, बड़ा दुख है। जदों पता लगा नहीं सदा तो कोई भी नहीं रहा, इतने सब ने जाना है, हर रोज जी मरते ने, गुजरते ने, तुर गए ने। हाँ फिर एहसास होएगा हुक्म है इतने, फिर उसनू समझण ते संभलण की समर्था वध जाएगी। आही तरीका है, हर ना है उदे हुक्म नू एहसासण दा। जदों बंदा नहीं एहसासदा फिर बंदा डर विच भी जींदा आ, खौफ विच भी, भय विच भी, ते उस सारे दे विच्चों फिर एक वड्डी अलामत निकल के आउंदी है, बंदा गुनाहां दीयां पौड़ियां भी चढ़ जांदा है। आपां जून 84 की गल कीती याद कर रहे हैं। देखिए क्या किस किस्म का सियासी पैंतड़ा लिया गया सारा, अपने ही देश के वसनीकों नू अपने ही देश की फौज मार रही है आके। अजीब हालत है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब है एक पॉलिटिकल इशू नू किस तरीके दे नाल उसनू टैरिफाई किया गया सब चीज़ों के विच, ते अजे तक भी है उही नरेटिव लिखण की कोशिश की जा रही है, उही नरेशन की जा रही है कि इस तरह इस तरह इस तरह हो गया। वो भल्यो मुल्ख अपना आ, लोग अपने ने, रियाया अपनी है, अपना लोकतंत्र आ, लोगों ते राज कर रहे हैं, फिर ये किवें हो गया? इट्स सिस्टेमिक फेलियर, एक्सैप्ट करो इस चीज़ को, ये गुनाह है बड़ा वड्डा कीता। पर है जदों कुछ लोगों का अहंकार ते कुछ लोगों की अपनी निज स्वार्थता इस लैवल ते आ जाए, वो फिर वो जिहड़े आम लोकाई उन्हों की समझती है, इतों ये चीज़ निकलती है। जो बाबा जी बचन इत्थे कह रहे ने, गुरबाणी अक्सर असीं गल करदे हैं, सर्वपक्षी है। इत्थे गुरु रामदास महाराज का उपदेश, हर तन संची है, तन संचो पर हर दा तन, वाहगुरु दे पै भाव वाले ख्यालां नू अटेन करो, उन्हां दी कमाई करो ताकि तुहाडी सुरत टिकाणे रहे। धरती ते तुरो, मनुख बन के तुरो, धरती ते विचरो, इंसानी कदरां कीमतां नाल प्रणा के अमीरी नाल विचरो। अमीरी सिर्फ बाहर दी पदार्थक रूप दे विच अमीरी नहीं हुंदी, वो तो बल्कि जे बंदा अंदरों बैंकरप्ट हो गया एथिकली स्पिरिचुअली, वो तो बाहर जे मायक रूप उस किस्म की जीवन धारा जिएगा। तो बाबा जी कहते माया धारी अत अन्ना बोला, वो तो अन्ना बोला हो जाए, उन्हें दिसना ही कुछ नहीं, सुनना ही कुछ नहीं, उसनू पता ही नहीं लगना भी एथिकली की करना है तो नहीं करना। इस करके हर तन संची है भाई, जे हलत पलत हर होए सिखाए। हालत हालात प्रेजेंट टाइम, पलत जिहड़ा साढ़े कोल नहीं, साढ़े तो परा है अजे, पर लोग इस तो बाद वाला फ्यूचर, तो इस तरह कह लो आफ्टर लाइफ, दोनों रूपां दे विच लोक पर लोक। हालत पलत हर होए सखाई, हरी सखा होएगा लोक विच भी ते पर लोक विच भी।
इस तरह जानिए लेटर और सूनर असी सब ने धरती तो विदा होना है। धरती ते विचरद्या होया जिंदगी खौफ विच पै विच डर विच स्वार्थ विच गमगीनता विच जी अल्टीमेटली जदों विदा होए उदों कादा झोला बन के लैके चले इन्हां ही चीज़ां दा। धरती दे उत्ते विचरद्या होया अध्यात्मी अते इंसानी कदरां कीमतां जीआं उन्हां च रहे ये चीज़ां इस रूप विच होईआं। बात होएगी अगले पूरे हफ्ते दे विच अनटोल्ड 1984 पूरी दी पूरी चीज़ रिवील की रीसेंटली कुछ लोगों ने जिहड़े उस वक्त जर्नलिस्ट सीगे जिन्हां कोल अंदर दी इनफॉर्मेशन सीगी। जिहड़ा लैफ्टिनेंट जनरल सिन्हा उसनों कहा गया कि इस तरीके दे नाल दरबार साहब ते अटैक दी सारी काफ़ी समा पहला एक प्लॉट बन रहा बयान करदा ते जदों गल कही तो वह कहिंदा भी ना 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 खबरदार जैवें दी गल भी सोची दे तुहानूं पता भी है किड्डा वड्डा गुनाह है बजर गुनाह है। तो वह कहिंदे नहीं नहीं असीं तो पूरी प्लानिंग कीती है। वह कहिंदा फिर आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग प्लीज़ ऑन रैकेट मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग दे विच सामने उन्हें बोल के दस्या। कहिंदा मैं क्या भी ना मैं डिनाई किया मैं इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं होना चाहता लामे हो गया। लोक भी बचिया परलोक भी बचिया उदियां तो पूरियां कहानियां सुन दे हो दसता बंदे नूं पता लगता। हाँ नहीं तो वक्ती तौर पर थोड़ा जिहा लालच ये मन्या गया आ जे कोई चंगा काम भी करना उदे लई भी कोई ना कोई आले दुआले सानूं सैकेंडरी एडवाइजर चाहिए होंदा। माड़ा काम करना उदे ते जरूर चाहिए होंदा। किसी का मन करे जिड्डी मर्जी वड्डी पोजिशन ते होए मैं माड़ा काम करना आ जिदे नाल सलाह करे जिदे नूं जिन्नू करे कहे पिया काम करना आ वो राइट वे कि हाँ ठीक है काम हो जाएगा। जो उस राइट वे सैकेंड ओपीनियन ये दे भी की गल कर रहे हो तुसी गलत है एकदम अंदर दी जिहड़ी आवाज़ आ कॉन्शियस है वह भी जाग जाएगी। अच्छा इन्हें गलत क्यों किया है इतों बात रुक जाएगी। पर यह भी है जो वाहगुरु तरस के घर आए तो चीज़ा आदियां नहीं तो जो बंदा गुनाह दियाँ पंडा चढ़न पौड़ियाँ चढ़न लगता है ना बाबा जी बयान कर दे भी फिरते फिरते कौन रोके जिसे भुलावी पंध सिर तिसे दिखा लै कौन जिन्हों तू भरा भुलाता उन्होंने कौन विखाएगा। हूँ ये तो है जे तरस करे मालक वाहगुरु तो बंदे नूं विजनरी बना दे सब बयान कर दे जिथे बात बनती हर तन नाम तन ये नाम तन अकल दा है ये नाम तन सोझी दा ये नाम तन विवेक दा ये नाम तन साड़ी कॉन्शियस दा ये किते मिल गया जे हलत पलत हर होए सखाई फिर वह सखा बन जाता। सखा मित्र नूं कहा जाता सानू मित्र ही बचाउंदे ने मित्र ही साड़ी सब तो वड्डी मदद करदे ने क्योंकि मन के चलीए कि जो कोई मुश्किल तकलीफ बने मित्र ही आके बौड़ी करते हैं सानू एक तरीके रेस्क्यू करते हैं। तो कल्ला रेस्क्यू फिजिकल साइड पर नहीं होंदा एथिकल साइड पर मेंटल साइड पर बहुत वड्डा डबल लैवल पर होंदा। कोई बंदा कित गिर जाए मित्र आके राय देंदा सलाह देंदा ये गलत है ये ठीक नहीं। साहब कहिंदे उही सखा होंदा तो इत्थे नाम धन विवेक का धन आके सखा बनता साडा इनर वॉइस जी आवाज़ देंदी भाई सही दी सही तो गलत इस रूप दे शुरुआती पंक्तियां इस पावन बचन दी नाल लै लैने महाराज बयान करते जिथे हर आराध्य तिथे हर मित सहाई। कई बार गल हुंदी रब का ना जपना चाहिए बाणी पढ़नी चाहिए है हाँ भाई जरूर पढ़नी चाहिए है जिथे हर आराध्य गुरु रामदास साहब के बचन ने जिथे वाहगुरु का नाम लवोगे वह सहाई होएगा। क्या जिथे हर आराध्य तिथे हर मित सहाई वह मित्र बन के बौड़दा। ये गल अज दी ते मॉडर्न साइकोलॉजी सारिया चीज़ा स्पष्ट ही हो गई ने कि साडा सिमरन ही साडे सामने प्रजेंट आउंदा मतलब साडा साडे सामने अपनी सारी दी सारी होंद लैके आउंदा। हुण घरां थावां दे विच चढ़दी सवेर
कलह कलेश लड़ाई झगड़े मुफाद ये ही सिमरन होना शुरू हो गया डेफिनेटली हाउस होल्ड का की होएगा। जे कुछ समा डेडिकेटेड होए किसी हायर थॉट नो तो फिर नहीं कोई एक दा इंडिविजुअल पूरे घर का माहौल यह जहाँ बनाया जाए कुछ समा डेडिकेट किया जाए। बाबा जी के पावन बचन पढ़ने शब्द अगे जाके उस पासे नूं जाएगा। गुरु बाबा जी कहिंदे जिहड़ा चौथे पहर सुबाक है सुरतियां उपजै चाओ तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ। चौथे पहर सुबाक है जो सुबह आउंदी जिहनूं सुबह कहिंदे आ असीं दिन चढ़दा पई उह समां वड्डे नूं याद करन दा वाहिगुरु नूं याद करन दा। चौथे पैर सुबह कह सुरतियां उपजा जाओ सुरतियां बिस्तरा छड़न बंदे का शरीर कहिंदा ना ना बस झूठ ही हो जाए दिन नहीं चढ़िया बस नींद हो रहा नींद इन्ना जोर पाउंदी उदों कि जिहड़ा सुरतियाब हुंदा उह अखां खोलदा उह कहिंदा नहीं दिन शुरू होण तों पहलां कुछ होर शुरू करना आ। दिन शुरू होना जिहड़े असीं प्लानिंग कीती कम्मां कारां दी उह सब दी जरूर करांगे पर उस तों पहलां कुछ समां राखवां। चौथे पैर सुबह कह सुरतियां उपजै चाओ तिना दरियावां स्यों दोस्ती वो फिर दरियावां नाल दोस्ती लाउंदे ने। दरिया दो तरह के होंदे ने एक पानी का एक बाणी का। पानी के दरिया जो किसी दरियावां की धरती तो आए हैं मोस्टली पंजाब के विचों तो लोग सवेरे उठदे नाल बाहर जिहड़ियां वाटर बॉडीज होंदियां सी उत्थे जांदे होंदे सी नहाण वास्ते पानी लैण वास्ते इस रूप दे विच। वक्त बदलिया दरिया घरां तक आ गए मेन लोगों ने पानी नू मतलब उन्हों पाइप्स दे च बंद किया तो घर की टैब दे विच लिया के खड़ा कर दिता। कैनेडा च रहिंदे आ दुनिया का सब तो मिठे पानी के जखीरे दे कोल ने सब तो वड्डा पानी की अमीरी कैनेडा दे कोल आ ते आप देखदे हो इत्थे घर थावां दे विच असी जिहो जिहा जीवन जीने आ ते पूरा मतलब गर्म ठंडा हर तरह का पानी मुयसर है। दरिया घर में आ गया जो टैप खोलोगे पानी होएगा उत्थे उस रूप दे विच। इशनान करना शरीर नूं पानी दे नाल सफाई करनी पानी च नहा के शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाता है यह मन्या गया। जदों आपां इत्थे कैनेडा मैंटल हैल्थ की गल करते हैं जो मैंटल हैल्थ दे विच असी असैसमेंट करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं पूछा जाता है हाउज़ योर हाईजीन्स। जिहड़ा नहाना धोना वह किवें चल रहा है जे उहदे च कोई डिस्ट्रैक्शन है मनना पएगा मैंटल हैल्थ का इशू है। जे उत्थे डिस्ट्रैक्शन नहीं है ठीक है मैंटल हैल्थ का एक एरिया ठीक है हुण दूजियां ते कम करांगे। यह बहुत वड्डी चीज़ है बंदा अपनी साफ सफाई नहाण धोन कपड़े पाउण यही जीवन का रहन सहन है नाम दान इशनान दृढ़ाया एवें नहीं क्या चीज़ा यह चीज़ा लगदी एवें सी ना ना ये बहुत ये मेजरमेंट आ बंदे दे हेल्दी होने का बंदे नूं अपनी बॉडी ऑर्डर जिहड़ा हैगा वह पसीना आया उन्हूं महसूस होए उसनूं लगे भी नहीं नहीं मैनूं नहाना चाहिए मैनूं धोना साफ सफाई क्लींजिंग जिहड़ी ये बहुत जरूरी है। फिर कल्ला ये नहीं इस तो अगले पड़ा दे विच तन गंदा आया चंगा नहीं लगता धोना चाहिए तन नू कपड़े सही पाने चाहिए। मन गंदा आया मन नू भी जिहड़ा हैगा धोना चाहिए मन दे विच सही रूप दे उहदी लाहो लशकता होनी चाहिए। इसे करके गुरु नानक साहब ने बचन कहे सीगे भी देख आ तो ठीक है पर यह हथ पैर तन दे पानी धोता तो उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लई है उह तो पर यह मत पापा कह संग उहदा भी तो कुछ करना पएगा वह धोपै नाम है कह रंग उत नाम के रंग च जाएगी उद मैल लहेगी। चौथे पैर सुबह कह सुरतियां उपजै चाओ तिना दरियावां स्यों दोस्ती वह दरियावां नाल दोस्ती लाउंदे पानी के दरिया नाल भी बाणी के दरिया नाल भी वह की करदे तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख मन के नन्ने नूं भी सिहारी है मुख के खखे नूं भी सिहारी है। जो पाठ देखते हो तुसीं कट्ठा नहीं पढ़िया जा पट्ठा कट्ठा पढ़ांगे मन मुख ही बनेगा एवें पढ़िया तो कोई अर्थ नहीं बनता उन्होंने सैपरेट करके पढ़ना पेगा मन मुख मन विच मुख विच साचा नाओ सच का नाम रब का नाम होएगा। ये मन्या जाए बंदे दे
लोग कई बार कह देंगे मैं ना मन करके बहुत चंगा हाँ, भाई फिर मूँह करके किवें माड़ा हो गया तू, तेरी बोल बाणी नानक फिक्का बोले हैं तन मन फिक्का हो। बाबा जी तो कहें मूँह तो तू फिक्का बोलद, पड़वाहट बोलद, कौड़ा बोलद, मन बहुत चंगा है। हद हो गई, मन किसी ने फोल के देखे, भाई मन का प्रगटावा तन करता आ मूँह करता आ, ये कोई नहीं कह सकता ये ना बस जड़ा है बड़बोला आ, मन का बहुत चंगा। आदि हुई भाई, भाई जो मन का चंगा तो मूँह का भी चंगा होए। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, मूँह तो बंदा कुछ होर बोले, मन में कुछ होर रख लवे। बाबा जी कहिंदे ये बीमार मान सकता है, लंबा समा बंदा इस तरह नहीं चल पाएगा। चेते रखिया जे जिन मन होर मुख होर से कंड है कच्चे आ, ये कच्चे ने, ये पकियाई नहीं, इन्हें च पाकिजगी नहीं आई अजे, वो आने वास्ते जरूरी है दोनों का एक पद्धर ते आ जाए। इस करके ऐसा समा जो मन ते मुख एक लाइन दे च अलायन हो जान, प्रभु भगती की जाए। साहब ने कहा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, जिथे हरी की आराधना होए घरां दा माहौल एवें दा बने, जिथे बाणी गाई जाए, बाणी पढ़ी जाए, बाणी सुनी जाए, गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाए। वाहगुरु दा तरस ही है, वैसे अपनी एफर्ट नाल चीज़ां नहीं बनदियां, बनदियां होंदियां सब सब बना लेंदे फिरते फिरते। मैं कह रहा आप सुन रहे हो, असी कहण सुनने वाले सारे हो जाते। क्या गुर कृपा ते किते गुरु तरस करे, हरी अपनी बख्शिश का मीह वरसाए साड़ी सुरत साड़िया सोचा विच, हर मन वसाए होर तबिद लिया ना जाए। बाकी ढंग भी कोई होर नहीं गा। सपोज करो असी कोई अपना बटवा अर्न करना है ना, असी अपनी पॉकेट जिहड़ी हैगी भरनी है, साढ़े कोल मल्टीपल जिहड़ियां ने जॉब्स हैगियां ने, मल्टीपल साढ़े कोल उहदे वास्ते मैथड्स हैगे ने, असी कोई जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कई तरह दियाँ कर सकते हैं, कोई टैक्सी ड्राइव कर ले, कोई ट्रक ड्राइव कर ले, कोई लेबर वर्क कर ले, कोई थोड़ी एजुकेशन लैके किसी होर तरीके की स्किल नू लर्न कर ले, तरीके ने। पर एक है होर तबिद लया ना जाई, ये हर धन जिहड़ा इहदे लई होर कोई बिद नहीं, कोई ढंग तरीका नहीं, सवाए गुरु ते वाहिगुरू की कृपा ही है। इस करके इत्थे अरदास है, तरला है, मिन्नत है। अगला बचन लिखिया सह बयान कर दे, सत संगति संग हर धन खट्टी है। हुण राह दस्सिया है खट्टण दा ढंग, खट्टना अटेन करना, अर्न करना, कमाई करनी। सत संगति संग हर धन खट्टी है, सत संगी जना दे संग बैठना हर धन दा खट्टना हुंदा है। जिन्हां दे कोलों ये धन मिल सकदा, जिन्हां ने खट्टिया उन्हां दे उन्हां दा संग लभना। संगत करनी बड़ी जरूरी है, संगत ही साडा सब तो वड्डा एसेट आ। जे एक मनुख संगत नू समा नहीं दे सकता, तो संगत फिर बिनती करांगा कल्ली शरीरां दी नहीं होंदी, संगत थॉट दी होंदी है, राय दी, विचार दी, ख्याल दी। आप ते चढ़दी प्रभात गुरु के हजूर आके बैठे हो, देवत्या वर्गे लोग हो, या करां थावां दे विच वी टीवी राही या होर मीडिया आउटलाइट आउटलैट्स राही जिहड़ा लाइव स्ट्रीम वाच कर रहे हो, सुन रहे हो। अदरवाइज असी देखते हाँ वीकेंड के प्रोग्राम्स होंदे ने, लोग कुड़माचारी दे सद्दा पत्र लैके फैमिली फंक्शंस ते आ जाते हैं, बट उन्हां लई बहुत मुश्किल होंदा उस इकट्ठ विच बैठना रहना। ऐसा होया कि आके बैठे गल्लां शुरू करतियां ना, या मौका नहीं बनिया, बाहर चले गए, बस आले दुआले तुरते फिरते रहे। भी संगत का समा बनया, कई बार माफ़ी मंगागा, मैं देखता हूँ ना रागी साहबान कीर्तन गा रहे होंगे ने, ऐसे ऐसे बचन गुरबाणी के गा रहे ने, बंदे की बंदे सुरत जिहड़ी हैगी किसी होर आसमान उड़ सकती है शब्द के नाल। जिहड़ी संगत बैठी है उत्थे वो बिल्कुल उहदे च भेजी नहीं रही, उहनू पता ही नहीं की गाया जा रहा, थॉट का जिहड़ा रिलेशनशिप है बन ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं की हो रहा। इतने बाणी के बाबत ते कहा गया कि बाणी रब का उपदेश है, रब साहेब है साडा,
तो बाबा जी कहते ने साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। समर टाइम ब्याहां दा हुंदा साडे मोस्टली इत्थे ब्याह वगैरह लोग जिहड़ा हैगा प्लान करदे ने ते ब्याहां दे शब्दां दे पैकेज बने ने पूरी तरह साडे कोड ऑफ कंडक्ट दे अकॉर्डिंगली तो ही शब्द मोस्टली गाए जांदे ने ते मैनू भी मौका बनदा पार्टिसिपेशन दा इहनां सारे दे विच जिथे भी जाके जिस तरीके नाल भी वह ब्याह हो रहा है तो वह शब्द गाए जा रहे हैं राइट वे बंदा सोचता क्या बाबा जी बचन तो दसे दिते ने सानू मतलब एक एक शब्द शब्द नहीं माणक मोती ने जवाहरात ने गुरमत का धानिया इंज चाहिए कि बस बंदा पूरे का पूरा परसीव ही कर ले बस लै ही लवे सारा। कई बार देखिया बिल्कुल जिहड़ी उत्थे पार्टिसिपेशन वास्ते कॉन्ग्रीगेशन करन वास्ते गैदरिंग हो रही है उन्हां वड्डा हिस्सा बिल्कुल उहदे नाल लाग लबेड़ी कोई नहीं। फिर बाबा कबीर जी दे बचन समझ भी आउंदे कई वारी उह कहिंदे कबीर मार्ग मोती वीथरे अंधा निकसिओ आए। हीरे जवाहरात माणक मोती खिलरे ने रोड दे उत्ते जिहड़ा बंदा तुरिया लगा हुंदा उस राह दे उत्ते उहने अखां बंद कीतियां अखां नहीं हैगा उहदे कोल। हुण हुंदा की जदों पैर रखदा ते पैरां थल्ले उह हीरे मोती चुभदे उह गालां कढदा कहिंदा किसे ने रोड़े खिलारते ओहो किन्ने पागल ने लोग रोड़े खिलारते मेरे राह दे विच उह भलिया रोड़े नहीं गे हीरे ने माणक ने मोती ने। बाबा जी बैठे ने ऑफिस दे विच Usually people come and say, just do it quickly. We don't have time. Oh, kende, time nahi hai ga. Vyah kada hai phir. Je main jidi, jida purpose diya, ode lehi time nahi hai ga. Just in few minutes, at least, घंटा एक तो स्पेयर कर लवो 1 hour नॉट मोर दैन दैट। पर की किया जाए सतसंगती संघ हर धन खट्टी है। जिहड़ा ह्यूमन माइंड आ ना इहदे विचों इहदे भावें इसने कोई चीज़ नूं रिसीव करना है या किसी चीज़ नूं रिफलैक्ट करना है ये इमोशंस दे जरिए करता है। इमोशंस दा जो टाइम हुंदा आ वो सिचुएशन दे विच जरिए हुंदा आ। जो सपोज करो विआह दा समय एक डिफरेंट इमोशंस दा टाइम हुंदा आ मलाप दा समय राग दा समय आ खास करके जिहड़े इंडिविजुअल्स इस विआह दे बंधन च बज रहे ने दे हैव टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड दैट सिचुएशन। उहदे विच जे कोई उहनूं मैसेज दे दिता जाए बड़ा मैमोरेबल होएगा उहनां दी मैमरी च चला जाएगा क्योंकि वह चीज़ उहनां दी एक मूवमेंट है जिहड़ी लाइफ टाइम नाल जाणी है। उहदी कुछ इहो जिही सिख्या इहो जिही बात इहो जिहा उपदेश ते सारी बाणी उस पद्धर दी है फिर ते कमाल हो जाए। पर इह है जिहड़े फिर इह धन लै के नहीं जाते क्योंकि हाउस होल्ड तो किसी सिक्ख्या ही चलना अकल ना ही चलना मत ना ही चलना वो ले नहीं वो है नहीं हूँ चलेगा किमें दैन दे स्ट्रगल दैन दे हैव सो मच कोल्डलिंग एंड समटाइम दे कंप्लेन वी डोंट नो वी ट्राई आवर बेस्ट बट स्टिल वी आर नॉट एक्चुअली गैटिंग अलोंग ऑन दैट लैवल वेर वी कैन क्रिएट हाउस हारमोनी। हाँ How can you actually attain that house harmony? Because you don't have that essence which can help you to create it. Baba ji kehinde sat sangati sang har tan khatti hai. Hor thain hor t upaye har tan kite na paayi. Je apan eh sochi na bahut koi intellect ya intellectual side to kuch cheezan hundiyan ne. Nahi. Emotions nu बल्कि जितना बंदा वध इंटलैक्चुअल होएगा इमोशनली उतना डिप्रीव करेगा वो ये पॉसिबिलिटी है।
दो तरीके की गल की जाती है मॉडर्न साइकोलॉजी, एक जस्ट वर्ल्डली लैवल ते इंटलैक्चुअल होना, इंटलैक्ट का स्ट्रोंग होना, तो इमोशनल साइड ते होना, टोटली टू डिफरेंट थिंग्स ने टोटली। बाबा जी बयान कर दे जिहड़ा ये धन है सतसंगती, तो फिर सतसंगती सिर्फ एग्जाम्पल की है जिथे असी बिल्कुल बड़े डिवोशनल वे दे नाल आके अपने आप नूं एसोसीएट करते हैं, उस जगह नूं सतसंगत कहा जाता है। अगला बचन लिखिया, हर रतने का वपारिया हर तन, हर रतन तन विहाज है, कच्चे के वपारिए वा के हर तन लया ना जाई। जिहड़े सच का वपारी है, मतलब असीं अजकल स्कूलिंग ते बहुत कहिंदे आ स्कूल ठीक नहीं, स्कूल ठीक नहीं, हाँ नो डाउट, ये कोई पिछले 25-30 सालां दे विच सिस्टेमिकली फेलियर होया सारा। हुण ते अपने वो आरूफ ते है, बिल्कुल थ्रैशहोल्ड नूं टच कर रहा, तां सानूं लग रहा भी वो गड़बड़ोगे। क्योंकि कारण यह है, एक बंदा BSc करके निकलता साइंस दे विच, वो प्रैफर करेगा किसे मल्टी जिहड़ी नेशनल कंपनी है, कारपोरेट वर्ल्ड है, उहदे नाल काम करन दा। स्कूल च टीच करना प्रैफरेंस नहीं होगी उहदी, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे टैलेंट नूं जिहड़ा एक्चुअल लैवल ते जिहदे च कोल बाय करन दी एबिलिटी है, कोई मल्टीनेशनल कारपोरेट सैक्टर है, स्कूल नहीं। स्कूल कोल ते एबिलिटी नहीं है, रीजन क्योंकि सोसाइटी ने उसनू प्रेफरेंस नहीं दी, उसकी उसनू समझे कि तो कोई गल नहीं, तो वादू का बजट घटता गया, ह्यूमन रिसोर्स लैकिंग होंगी गई, टैलेंट घटता गया, अल्टीमेटली एक जस्ट बोझ रह गया। ये रियलिटी है। धन सानू धन की समझ होए, धन हुंदा की है, धन का बड़ा प्रभाव है, पर यह है उस धन के प्रभाव को असी समझते नहीं कई बार। हुण जे सोसाइटी एजुकेट नहीं होएगी, उस सोसाइटी ओवरऑल बहुत धन लूज कर जाएगी, पर सोसाइटी कहती नहीं नहीं वक्ती तौर पर धन बचा लो। लोंग रन के धन का की है, लोंग रन के हाँ, लोंग रन च धन का नुकसान, अजे तो सिर्फ कुछ साइन सिमटम दिसने शुरू हुए ने, अजे तो अगे जाके होर हाल हालात बिगड़न गए सारे उस रूप के। मैं टूक मात्र बात बयान कर रहा सीगा कि जेड़ा हर रतन का व्यापारी है, बच्चे नहीं स्कूलिंग वास्ते लैके जाना, ठीक है जी, स्कूलों उसने एजुकेशन लैनी है, पर बच्चा स्कूल की दहलीज ते जाके जो खड़ा होए, पैर रखे, उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्लीयर होए, वाई आई एम हेयर। जेड़ा स्टाफ या टीचर या मतलब हैड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन तो लैके तो जैनेटर तक, वो जो तो दहलीज से जाके पैर रखे, वो क्लीयर होए, वाई आई एम हेयर, व्हाट्स माई मेन जॉब ओवर हेयर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, आ क्लैरिटी होए, बात डिफरेंट हो जाएगी। एज ए ह्यूमन जो सानू पता लगे साड़ी लाइफ जो शुरू हुई है, पापा जी कहते व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, क्लीयर होए, वाई आई एम हेयर। जिन्हों पता होए वो हर रत्ने का व्यापारी बनेगा, उन्हें पता है कादे वास्ते है, जिन्हों नहीं पता वो लॉस्ट है। गुरु बाबा जी कहते हर रत्ने का व्यापारिया हर रतन धन विहाजे, वो फिर उसनू विहाजदा, कच्चे कह व्यापारीए वाह के हर तन लया ना जाई। उसनू इस तरीके दे नाल उहदे सामने भी होए, क्योंकि उहदी मतलब सपोज करो हुण बच्चा स्कूले पढ़न वास्ते गया, टीचर पढ़ा रहा, जदों उहदी इस किस्म की उन्हें नीड ही नहीं कि आई शुड ग्रैब दिस नॉलेज, वाई ही और शी एक्चुअली बॉदर हिम और हर सेल्फ टू बी इनवॉल्व इन दिस काइंड ऑफ टास्क। सेम वे अपन गुरुद्वारे की हाजरी की गल की, जो बंदे महसूस ही नहीं होंदा भी वाय मिन गुरुद्वारा साहेब। ईवन बच्चे बच्चिया जिहड़े विआह करवाउण भी कई वारी आउंदे, हुण तो खैर थोड़ी बहुत चर्चा चली है कि उन्होंने पहला एक प्री मैरिटल सैशन दिता जाए, एटलीस्ट पता होए वाय आर दे हेयर, दे आर नॉट हेयर जस्ट टू एक्चुअली मेक ए मूवी, ए ग्लैमरस शो, नो,
Their purpose is way higher than this actually photo shoot. Then they must be aware about it. Same way, each and every time when we are in Gurdwara Sahib, we should be clear in our mind why we are here, to get some Guru's wisdom. If we are not able to grab it, then we should plea in front of Guru Maharaj, or we should be aware in our conscious, please pay attention to what Guru's bani, Guru's messages, so that it can be actually served to us. Jida sanu prapat ho reya ya, assi usnu prapat nahi kar pa rahe, assi usnu attain kar paiye. शब्द लमेर आया, टाइम समाप्त हो गया है. जब उस फिर समा बनेगा, विल डिस्कस अबाउट इट. नटशेल दे विच यही है कि भाई जिथे हर आराध्य है तिथे हर मित सहाय. जिथे हरी दी आराधना होंगी, हरी उत्थे मित्र बन के बौड़ी करता. इन एक बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारियो जी. सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.